आर्किटेक्चर ड्राइवर्स जो हैं वो क्या है दोज आर दंसिड्रेशंस दैट नीड टू बी मेड फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट आर आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट तो ये कंसिड्रेशन्स क्या हैं और कौन कौन सी कंसिड्रेशन है किन किन चीज़ों को हमें देखने की जरूरत होगी और कैसे हम इसको पूरा एक प्रोसेस कैसे बनाए इस सिलसिले में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं उसमें से एक गाइडलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है या माइक्रोसॉफ्ट में के को रिकमेंडेड गाइडलाइन जो है वो कहलाती है दी आर्किटेक्चर मेटाफ्रेम ये जो आर्किटेक्चर मेटाफ्रेम जो है एंड यू नो इससे मिलती जुलती बहुत सारी और भी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी लिटरेचर ये आर्किटेक्चर मेटा फ्रेम जो है ये एक तरह से पूरा एक फ्रेमवर्क है और इसमें चीज़ें एक चेक लिस्ट आप कह लें काइंड ऑफ अ चेक लिस्ट एंड देन देर आर सर्टन गाइडलाइंस कि अच्छा जी ये चीज़ करनी हो तो कैसे करेंगे ये चीज़ करनी हो तो कैसे करेंगे क्या आपको इसकी ज़रूरत होगी इसकी ज़रूरत होगी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इस मेटा फ्रेम में एक तरीके से आपको वो बता दी जाती हैं और इसको आप देखते हुए आप अपने जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सामने रखते हुए यू कैन कम जी आपके आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं ये जो मेटा फ्रेम है इसके कुछ चार हिस्सों में इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है ये चार हिस्से आपको जो लेफ़्ट साइड पे ये तीन वर्टिकल बार्स आपको नज़र आ रहे हैं एक्चुअली ये तीन है लेकिन ये एक तौर पे आते हैं इसमें आपके स्नेरियोज़ हैं इसमें आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं कंस्ट्रेंट्स हैं तो ये एक चीज़ है जो आपके आर्किटेक्चर को ओवरऑल जो ड्राइव करेगी दो तो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है एक है एप्लीकेशन टाइप कि आप ये डिसाइड करें कि आपकी एप्लीकेशन टाइप क्या होगी एंड वो जो आपके लेफ्ट साइड पे वो जो तीन कंस्टेंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं या स्नैरियोज़ हैं वो इस चीज़ को डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन टाइप क्या होगी और इसमें बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन टाइप्स आर पॉसिबल फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपकी रिच क्लाइंट है आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है या आपकी सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन है एंड सो एंड सो फोर्थ जो भी आपकी एप्लीकेशन है देयर में भी मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन पॉसिबल तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए फिर जो तीसरी चीज़ जो आ जाती है सामने वो है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स अब ये आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो हैं इनको बाज आर्टेक्चरल पैटर्नस भी कहा जाता है दे आर मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है लेयर्ड आर्किटेक्चर है एंटी आर्किटेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है किस तरह का आर्किटेक्चर है ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं आपके सिनेरियोस क्या हैं आपकी एप्लीकेशन टाइप क्या है फिर उसकी जो आपकी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या बनते हैं ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं ये ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें जो आप आ, इसको हम कहें कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करेंगे बहरहाल हम इनको डिटेल में देखेंगे और फिर फाइनली जो uh, नीचे बॉटम पे आपको एक uh, बॉक्स नज़र आ रहा है दैट इज़ द आर्किटेक्चर फ्रेम ये आर्किटेक्चर फ्रेम जो है ये बेसिकली इज ए कलेक्शन ऑफ हॉट स्पॉट्स जहाँ पर दैट यू कैन यूज टू एनालाइज योर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कि आपको इसमें आपने कैशिंग कैसे की है आपने और इसमें जो आपके डिफरेंट हॉटस्पॉट्स हैं सिक्योरिटी आपने कैसे आपने की है लेयरिंग आपने कैसे की है एंड सो एंड सो फॉर देर मे बी कम्युनिकेशन कैसे है देर मे बी मैनी डिफरेंट हॉटस्पॉट्स जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट और आपके लिए रेलिवेंट होंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बेसिकली व्हाट यू डू एज आप एक एक करके अपने आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आइडेंटिफाई कि आपके स्नैरियोज़ क्या हैं आपकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं आपकी कंस्टेंट्स क्या हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एप्लीकेशन टाइप क्या है स्टाइल क्या है फ्रेम में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे हैं एंड देन दैट विल हेल्प यू कम अप गुड और डिसेंट आर्किटेक्चर